गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। क्लास 7 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा आपका 1/9 प्लस, बगल में लिखा हुआ है माइनस का 5/6। देखिए इस प्लस माइनस के साइन का इस प्लस के 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/9 माइनस का 5/6 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इसका एलसीएम ले लीजिए 6 और 9 का। देखिए कैसे आता है, 6, 9, 6 का जब एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 2, 9 ऐसे ही रहता है। 2, 3 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 1 जा 3 एंड 3, 1 जा 3, 3, 1 जा 3 तो कितना आया, 3, 3 जा 9, 2 जा 18। यहां मेरा 18 एलसीएम आया। 9 का 18 में करिए डिवाइड तो 9, 2 जा 18। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 18 तो 9, 2 जा 18 कट हो गया। ये जो 2 आया इसका आप 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2, 1 जा 2। फिर ये माइनस का साइन लगाया। अब इस 6 का अब 18 में डिवाइड करिए तो 6 डिवाइडेड बाय 18 तो 6, 3 जा 18 कट हो गया। ये 3 आया, अब इस 3 का ऊपर वाले 5 के साथ क्या करिए मल्टीप्लाई, 3, 5 जा 15। अब देखिए 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा हमारा 13/18 और साइन किसका लगेगा स्टूडेंट्स, माइनस का। क्यों, क्योंकि 15 हमारा बड़ा है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में भी क्या है, 1/18 प्लस 1/-9। इस माइनस के साइन का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/18 प्लस माइनस माइनस 1/ क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9। अब इसमें जब आप एलसीएम निकालेंगे तो फिर से देखिए हम यहां पे एलसीएम निकालने जा रहे हैं 18 और 9 का। 3 से कट करिए, 3, 6 जा 18, 3, 3 जा 9 फिर 3 से कट करिए, 3, 2 जा 6, 3, 1 जा 3 लास्ट में आप 2 से कट कर दीजिए, 2, 1 जा 2, 2 जा 3, 3 जा 9, 2 जा 18। एलसीएम कितना है मेरा, 3 × 3 × 2 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 18। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ क्या लिख लीजिए 18। 18 का 18 में करिए डिवाइड, डिवाइड करेंगे 18 × 18 और आएगा यहाँ पे 1। कैसे देखिए, 18 डिवाइडेड बाय 18, 18 × 18 कट हो गया, 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब 9 का 18 में डिवाइड कीजिए तो 9 डिवाइडेड बाय 18 तो 9, 2 जा 18 कट हो गया, आंसर क्या आया 2। इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, 1 जा 2। अब देखिए 1 − 2 करेंगे तो 1 आएगा अपॉन में 18। अब इन दोनों में साइन किसका लगेगा, 2 बड़ा है, 2 के पहले माइनस लगा हुआ, इसलिए यहां पे भी क्या लग जाएगा स्टूडेंट, माइनस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइनस का 3/24 फिर प्लस माइनस का 5/6, सेम प्रोसेस, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 3/24 और प्लस माइनस माइनस 5/6। अब अगर इसमें कुछ कट हो सकता है तो कट कर दीजिए, 3, 1 जा 3, 3, 8 जा 24 तो माइनस का 1/8 और माइनस का 5/6। अब यहाँ पे 8 और 6 का एलसीएम लीजिए, 8, 6 का हमने एलसीएम लिया, 2, 4 जा 8, 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4, 3 ऐसे ही, फिर 2, 1 जा 2, 3 फिर लास्ट में 3, 1 जा 3, 1 जा तो क्या आया, 3, 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, एलसीएम आ गया 24। 8 का आप 24 में डिवाइड करिए, 8, 3 जा, देखिए कैसे, 8 डिवाइडेड बाय 24 तो 8, 3 जा 24 कट गया। अब ये जो 3 आया इसका आप इस 1 से क्या करिए मल्टीप्लाई, 3, 1 जा 3, -3 वही काम, इसका इसमें भी आपस में क्या करिए डिवाइड करिए, 6 डिवाइडेड बाय 24, 6, 4 जा
24 कट हो गया। अब इस 4 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 20 और ये 3 माइनस का 23 अपॉन 24, ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप लोग पूछेंगे सर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया, ये दोनों साइन ही माइनस के थे, माइनस माइनस हमेशा मेरा होता है प्लस और साइन हमेशा उसका लगाते हैं जो डिजिट बड़ी होती है, तो माइनस का 20 बड़ा था इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1D के पहले के 3 क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। अब इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तब तक आप लोग इसको साफ साफ नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें सबके हर बड़े बड़े हैं, इससे पहले वाले में 2 अंक थे, अब आपको 3-3 वाले मिल रहे हैं। अब देखिए इनको कैसे करते हैं, सबसे पहले तो निशान सबके कॉमन कर लीजिए, -5/9 प्लस माइनस माइनस 7/12 और ये माइनस है ये माइनस कट हो गया तो प्लस 11/18, ठीक ये आ गया। अब वही प्रोसेस हमारा एलसीएम वाला, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 9/12/18 3 3 9 3 4 12 3 6 18 3 1 3 4 ऐसे ही 3 2 6 फिर 2 से करिए 2 2 4 2 1 2 लास्ट में 2 से करिए 2 2 4 तो आई डिजिट क्या 2 × 2 × 3 × 3 2 2 4 3 12 3 36 डिजिट आ गई हमारी 36। अब देखिए 36 का एलसीएम फाइंड आउट करिए, ये 36 हमारा एलसीएम आ गया, ये लिखा नीचे नीचे वाले डिजिट का आपस में हम डिवाइड करते हैं तो 9 4 36 जैसे 9 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 9 4 36 ये जो 4 आया है इसका हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 ऐसे ही 12 को 36 से डिवाइड करिए तो 12 को जब 36 से डिवाइड करेंगे 12 / 36 12 3 36 आया 3, इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 7 3 21 ऐसे ही 18 को डिवाइड करेंगे 36 के साथ 18 / 36 18 2 36 तो ये आया हमारा 2, 2 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 20 2। अब देखिए माइनस माइनस वाले डिजिट को आपस में ऐड कर दीजिए, 21 + 20 - 41 प्लस 22/36 अब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो बचेगा हमारा 9 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1/36। अब साइन किसका लगेगा, 41 बड़ा है, 41 से पहले माइनस है इसीलिए साइन इसका लगेगा, तो आपका आंसर क्या है 19/36। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, -4/-7 प्लस -13/7 प्लस 17/21 सेम प्रोसेस, माइनस से माइनस कट किया, 4/7 प्लस माइनस माइनस यहां माइनस लगा दिया 13/7 प्लस 17/21। अब इनका एलसीएम निकालिए, 7/7/21 3 से कट कीजिए 7 ऐसे ही रहा 7 ऐसे ही रहा 3 7 21 अब 7 से कट कर दीजिए 7 1 7 7 1 7 7 तो क्या आया 3 × 7 = 21 इसका एलसीएम 21 आया, यहां लिखिए 21। अब फिर से 7 का 21 में जब डिवाइड करेंगे आप 7/21 7 3 21 कट ये आया 3, 3 का 4 मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 12 7 का वापस से 21 में डिवाइड करेंगे तो फिर से आएगा क्या 3 और 3 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39 21 का 21 में डिवाइड करिए
देखिए 21 डिवाइडेड बाय 21, 21 वन जा 21 आया 1, 1 का मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो प्लस का 17 आया। अब देखिए प्लस वाले डिजिट्स को आपस में ऐड कर दीजिए, ये दोनों डिजिट्स प्लस की है तो 12 प्लस 17 माइनस 39 अपॉन में 21। अब ऐड करेंगे 729 112 29 माइनस 39 अपॉन 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 10 अपॉन 21। साइन किसका लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 39 बड़ा है और 39 के आगे किसका साइन लगा है? माइनस का, इसीलिए आपका ये क्या हो गया बेटा? एग्जैक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब फिफ्थ वन, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का भी प्रोसेस हमारा यही है। क्या करें? सबसे पहले माइनस का 1/12 है, प्लस का 5/48 है और इसके बाद 7/60। आप इन सब का एलसीएम फाइंड आउट कर दीजिए। 12, 48, 60 2 से कट करिए, 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 30, फिर 2 से कट करिए, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 15। इसके बाद फिर आप 2 से कट करिए, 3 तो होता नहीं, 3 ऐसे ही, 2 6 12, 15 ऐसे ही। इसके बाद फिर से 2 से कट करिए, 2 3 6, 2 ऐसे ही, 2 3 6, 15। अब यहाँ पे आप 3 से कट करिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15 और सबसे लास्ट में आप 5 से कट करिए, 1 1 1। तो ये एलसीएम आपका क्या आ गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, 1 2 3 4, 4 × 2, 1 2 3 4, तो 5 3 15, 15 2 13, 30 2 60, 60 2 120, 120 2 240। एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका? 240। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हमारा आ गया 240। अब 12 से 240 को डिवाइड करिए, 12 डिवाइडेड बाय 240, 12 2 24, कट, यही जीरो ऊपर लग गया, आगे हमारा क्या स्टूडेंट्स? 20। 20 का माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 प्लस। अब 48 को डिवाइड करिए 240 में, आएगा 5 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 5 8 40, कैरी 4 5 4 20 एंड 240, कितना आ गया स्टूडेंट? 5। 5 का 5 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, और 60 का जब 240 में डिवाइड करेंगे, देखिए 60 डिवाइडेड बाय 240 तो 6 4 24, यानी 4 टाइम्स कट होगा। इस 4 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, 7 4 28। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरी डिजिट आ गई। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब इजी हो जाएगा, तो बचेगा प्लस का 5 प्लस 28/240। अब आप पूछेंगे सर प्लस का 5 क्यों आया? इन दोनों में 25 बड़ा है, 25 के आगे प्लस का साइन है, इसलिए 5। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 33/240। 28 + 5 33 होता है, 33/240। अब अगर डिजिट कटती है तो हम काट देते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, तो आपका आ गया 11/18। यही आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 1D के 6 क्वेश्चन थे। मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दिया है, कैसे करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट आप लोग इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से करिए, खूब ध्यान से समझिए, ये मत सोचिएगा कि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, क्या करें, वीडियो को देख के सब कुछ पढ़ाई हो रही है, हमको हर सिचुएशन में पढ़ाई करनी है क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जो भी टीचर्स आपको वीडियो भेजते हैं, चाहे मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी जिसके भी वीडियोज आते हैं, आप लोग वीडियोज के थ्रू पढ़िए और कुछ नया सीखते हुए इस जो सेशन चल रहा है इसको हम लोग कुछ टाइम के लिए कम्प्लीट करते हैं, फिर फर्दर जैसे ही स्कूल लास्ट ईयर ओपन हुआ था वैसे इस बार भी ओपन होगा और हम लोग वापस से स्कूल में बैठ के पढ़ाई करेंगे। बट अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस के थ्रू समझाया जा रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियोस को देखिए और कुछ भी नहीं समझ में आया तो मैसेज या कॉल के थ्रू पूछिए। नाउ स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।